नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आपकी अपनी भाषा में। फ्रेंड्स, मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि एयर कैश कंपनी फ्रॉड नहीं है और उसके साथ क्या हुआ था और आधार पे का पैसा क्यों नहीं आया था, वो सारी चीज़ें बताई थी। और मैंने ये कन्फर्म भी कराया था कि जिनका पैसा नहीं आया उनका पैसा भी वापस आ जाएगा फ्रेंड्स। पर आज फ्रेंड्स सब लोगों का पैसा मिल चुका है। आप मुझे जिसका पैसा आया है फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना, और अब किस तरह से पैसा आएगा आपका आधार पे का वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस, आपका दोस्त, चैनल होस्ट, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कल मतलब मार्केट क्या सोशल मीडिया में मतलब हाहाकार मच गया था कि यार एयर कैश कंपनी फ्रॉड है, वो आधार पे का पैसा नहीं दे रही है। 19 तारीख से लोगों का पैसा अपने पास उसने फांस के रखा हुआ है। पर फ्रेंड्स 19 तारीख को जिन्होंने आधार पे से सेटलमेंट किया था उन लोगों का पैसा आज आ गया है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आधार पे का जो पैसा है वो T+1 में जाता था, यानी कि अगर जैसे कि आज हमने आधार पे से पैसा निकाला तो वो कल हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था। पर फ्रेंड्स अब क्या है, थोड़ा सा भाई बैंक ने रूल चेंज कर दिया। अब क्या फ्रेंड्स, अब T+2 में होने लगा है सेटलमेंट, यानी कि जैसे अगर आज मैं अपना आधार पे से सेटलमेंट करता हूं तो मेरा कल नहीं जाएगा, यानी कि उससे अगले दिन जाएगा, यानी कि 2 दिन बाद। यानी कि अगर आज मैंने 20 तारीख आज जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं 21 तारीख में, 21 जनवरी को अगर मैंने आधार पे से पैसा निकाला है फ्रेंड्स तो वो 22 तारीख में नहीं जाएगा, वो 23 जनवरी को जाएगा, यानी कि एक दिन छोड़कर तीसरे दिन में पैसा जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे चलता रहेगा। पर आप तैयार रहना फ्रेंड्स, अगर अचानक से अगर भाई बैंक बिल मांगने लगे तो आप प्रिपेयर रहना दिमाग से कि भाई हमें बिल किस हिसाब से देना है। और आप ये एक दो रुपया निकाल लेना, कृपया करके 1-2 रुपया करके ना निकालें, क्योंकि यार इसका क्या बिल बनाओगे आप। कम से कम 5,000, 10,000, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये कम से कम इतना तो होना चाहिए कि लगे बैंकों को भी हाँ यार बंदे ने कुछ दिया होगा, 500 रुपये का बिल उसने बना के दिया है। फिलहाल बिल का भी फिलहाल ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर भी आप अपने माइंड में तैयार रहना कि अगर ऐसे कोई पैसा नहीं आता तो कंपनी से बात करेंगे, कंपनी बोलेगी हमें बिल दे, तो आप तुरंत उसको बिल बना के दे सकते हैं। पर फ्रेंड्स आप जो सेटलमेंट होगा आधार पे का वो नेक्स्ट यानी कि तीसरे दिन सेटलमेंट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बस यही बताना था वीडियो में कि आज कहीं भी किसी का पैसा कहीं नहीं फंसेगा फ्रेंड्स, सब लोगों का पैसा आ जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 19 तारीख का पैसा सबका आ चुका है, और जिसका आ गया फ्रेंड्स मुझे एक बार यार कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि मुझे लगे कि जो मैंने मेहनत किया था कल जो वीडियो बनाया था वो मेहनत मेरी सफल हुई है, लोगों को थोड़ा सा दिलासा हुआ होगा, मिला होगा कि यार बंदा मतलब कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा है। और मैं यार ये तो पता ही है फ्रेंड्स मैं जो चीज़ बोलता हूँ जेन्युइन बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि यार कोई कंपनी ऐसे अचानक से कोई किसी का इतना पैसा लेके भाग दी, क्योंकि कंपनी भाई वो ऑफ से नहीं काफ़ी टाइम से काम कर रही है, और मैं उसके साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं उसका सर रिटेलर था, ओनली रिटेलर वर्ग के मैंने काम किया है फ्रेंड्स। और मैंने 999 रुपये में आईडी परचेज किया था स्टार्टिंग में, और अब तो फ्रेंड्स मैं मानता हूँ यार कौन से 400-500 रुपये में आईडी मिल जाता है, वो भी उनको भी उसको भी ज़्यादा बताते हैं लोग यार 500 रुपये आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। और मैंने स्टार्ट किया था 2016 में एयर कैश और 999 रुपये में आईडी लिया था। अभी जब से लेके आज 2020 हो चुका है फ्रेंड्स, 2020 हो चुका है, अभी तक मेरा यार एक चमन्नी भी पैसा कहीं नहीं गया एयर कैश कंपनी से। तो इसलिए मैं इस पर सिक्योर हूँ और 100% कन्फर्म हूँ भाई एयर कैश कंपनी किसी का कोई पैसा लेके नहीं भागेगी। बस थोड़ा सा यार पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, हर चीज का सॉल्यूशन निकलता है, हर चीज का हल निकलता है। किसी चीज के मुद्दे पर लास्ट फाइनल तक पहुंचने तक आदमी को सोच लेना चाहिए कि मैं यार किसके बारे में क्या बोल रहा हूं और क्या मैं बोलने जा रहा हूं। पता लगे कि यार हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत बोल दिया कि हमें बाद में उसका पछतावा हो फ्रेंड्स। तो बस यही बताना था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।